नमस्कार दोस्तों, मैं मधुरी माँ रांची उपवन से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अभी खूब मज़े में होंगे और लॉकडाउन खुलने के बाद अपने मनपसंद पौधों की खरीदारी कर रहे होंगे, नर्सरी जा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे इस क्लेमेटिस पौधे के बारे में बातें करूँगी। ये समर में फ्लावरिंग करने वाला बहुत ही मीठी हल्की सुगंध वाला खुशबूदार पौधा है। ये एक वाइन है और एक पेरेनियल है। आप चाहे तो इसे प्रूनिंग द्वारा बूसी भी बना सकते हैं। आप इसे अपने टेरेस गार्डन में, जहां धूप अच्छी आती हो, वहां पर आप लगा सकते हैं, या आपके पास अगर ज़मीन है तो आप उसे नीचे भी लगा सकते हैं। ये वाइन होने के कारण इसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है। इसे आप सपोर्ट दे करके चढ़ा सकते हैं बालकनी के ग्रिल में, या कोई स्टिक लगा करके, या रस्सी बांध करके भी इसे आप ऊपर कहीं लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये समर में ब्लूमिंग करने वाला, खिलने वाला बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आज जून है, जून का महीना है, फिर भी इसकी ब्लूमिंग अभी जारी है। ये अक्टूबर में भी इसकी ब्लूमिंग होती है, पर अक्टूबर में थोड़ा ये कम ब्लूम करता है, और जाड़े के दिन में इसका डोर्मेशन पीरियड होता है, इसलिए इसके पत्ते थोड़े सूख जाते हैं, मगर इसकी डालियां डंडियां ठीक रहती हैं। आप ये ना समझ लीजिएगा कि ये पौधे मर गए हैं, पत्ते इसके अगर झड़ जाएं, सूख जाएं तो। इसे मोस्ट सॉयल पसंद है, जिसमें हमेशा नमी बनी होनी चाहिए। आप इसे वेल ड्रेन सॉयल में लगाएं। वेल ड्रेन सॉयल में लगाने से ये अच्छी बढ़वार करता है। पानी इसमें नहीं रुकनी चाहिए जब आप इसमें पानी दें तो। इसकी खुशबू के कारण इसमें बहुत सारे मधुमक्खियां, तितलियां आदि भी आती हैं, और ये अपनी खुशबू से इनको आकर्षित करती हैं। कभी कभी इनमें चींटियाँ भी आती हैं। ये सन लविंग प्लांट है दोस्तों, इसे फुल सन चाहिए। कम से कम इसे 3-4 घंटे की धूप आप दे तो ये अच्छी ब्लूमिंग करता है। इसके पत्ते इनके लीव भी काफ़ी सुंदर और आकर्षक होते हैं। ये बंच में फ्लावरिंग करता है और इसके 4 पेटल होते हैं, जो देखने में बिल्कुल स्टार की तरह लगते हैं। ये गुच्छों में फ्लावरिंग करता है दोस्तों, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये फुल ब्लूमिंग पे होता है। इसमें इंसेक्ट कम ही देखने को मिलते हैं। मैं इसे पिछले साल नर्सरी से मैं इसे लेके आई थी। मैं ऐसे ही नर्सरी घूमने गई थी तो यहाँ पर वो पौधा रखा हुआ था, मैंने इसे देखा, मुझे अच्छा लगा। इसके पहले मैं इसे कभी नहीं देखी थी और कभी अपने गार्डन में भी नहीं लगाई थी। जिस वक्त मैं नर्सरी से लेके आई थी दोस्तों, तो उस वक्त ये बहुत छोटा सा था, मगर उसमें फ्लावरिंग हो रखी थी। मैंने जब उसे स्मेल किया, सूंघा, तो बहुत अच्छी प्यारी सी खुशबू आई, तो मैं इसे ले आई। देखिए, ये 1 साल में अब ये कितना बड़ा हो गया है। मैंने इसे एक पॉट पे लगा रखा है। अगर इसकी प्रोपोगेशन की बात की जाए दोस्तों, तो इसे आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं या लेयरिंग करके भी लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह की जो इनके डाली होते हैं, बंचेज स्टेम होते हैं, थोड़े
थोड़े से हार्डी हो तो अच्छा है। उसे आप 10 या 8 इंच कटिंग करके गमले में किसी भी हार्मोनल रूट पाउडर या एलोवेरा जेल या दालचीनी के पाउडर में लगाकर इसे लगा सकते हैं, या फिर आप इसे लेयरिंग की विधि से भी आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों, इसमें सीड्स नहीं होते हैं। अगर आप इसे बुशी बनाना चाहते हैं तो स्प्रिंग सीजन में इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, ताकि इसमें बहुत सारे ब्रांचेस आ सकें जो आपको सीजन में बहुत सारी फ्लॉरिंग दे सकें। इसकी मिट्टी की सोयल तैयार करने की बात की जाए दोस्तों, तो एक भाग मिट्टी, एक भाग सैंड, एक भाग कोई भी खाद आप ले सकते हैं। उसमें आप फंगिसाइड और थोड़ा नीम के या नीम की खली भी मिला दें तो अच्छा रहता है, इससे कीड़े व्यादि नहीं होते हैं। आप इसे महीने या 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक दे सकते हैं, और जब स्प्रिंग सीजन आए तो उसमें एक बार आप इसकी गुड़ाई करके अच्छी तरह से इनमें खाद दे दीजिए। दोस्तों, इसे कीड़े आदि इंसेक्ट से बचाने के लिए आप इसे महीने में एक बार नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी पौधों में नीम ऑयल का छिड़काव करना अच्छा रहता है, पर उसके साथ साथ आप इसमें भी कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इसे शेयर भी कर लीजिए। अच्छा, तो दोस्तों, शायद मैंने सारी बातें कह डाली हैं। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। अच्छे से आप लोग गार्डनिंग कीजिए, खुशहाल रहिए, खुश रहिए। बाय दोस्तों।